चौकीदार एकता जिंदाबाद, आवाज जो हम एक है, आवाज जो हम एक है, आवाज जो हम एक है, चौकीदार एकता जिंदाबाद। चौकीदार चोर है के नारे को लेकर कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में चौकीदारों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। वॉचमैन का कहना है कि चौकीदार चोर है बोलकर देश के सभी चौकीदारों को क्यों बदनाम किया जाता है। चौकीदार ने किया रोष प्रदर्शन, राजनीतिक दलों पर निशाना साधा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चौकीदार चोर है बोलना बंद नहीं किया तो हरियाणा के चौकीदार हाईकोर्ट के शरण में जाएंगे। मान सम्मान पर ठेस पहुंच गया, जना खड़ा रे एक आदमी चौकीदार चोर कहकर बोला, ये भी जो कि चोर रहा उसको चोर कहकर उसके बाई नेम से नाम लेकर पुकारा, ये भी सभी पार्टियां कहते हैं कहा चौकीदार चोर चौकीदार चोर, ये बात गलत है, हमारा भी मान सम्मान है, हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा, ये बात बंद होनी चाहिए। चौकीदार चोरा जो कि चोर है उसका नाम लेकर बोलना, अगर ये जल्दी नहीं बंद करा तो हम हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, हाई कोर्ट में रिट डालेंगे। हमारे बोल रहे हैं अभी चौकीदार चोरा, ये भी नाम लेकर बोलो जो कि चोरा, प्रधानमंत्री का नाम लेकर बोलो या जिसका भी नाम लेना बाई नेम से चोर कहकर बोलो, चौकीदार चोर चौकीदार तो सभी हैं, इबा भी चौकीदार हैं, इबी मारे गाँव में मान्य चौकीदार चोर कहकर बोलन का जहरा चौकीदार चोर, हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा, मान्य अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए ये बीड़ा उठाया सभी चौकीदार ने, अगर ये जल्दी बंद नहीं करा तो हम हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, हाई कोर्ट की शरण लेंगे। बाद ब्लॉक के चौकीदार हैं, हर एक गाँव में एक एक गाँव में एक एक चौकीदार है, सारे गाँव में से इकट्ठे रहे हैं, अपने मान सम्मान की बात अपने मान सम्मान की बात रखने आए थे, और सभी अपने जिला में मीटिंग रखता सभी मैं अपना आवाज कर खावांगे। से अपील यही है कि हमारे जो ये चौकीदार चोर कहकर घोषित कर रहे हैं इसको बंद करवाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम हमारे गरीब आदमी हमारा साथ दें बस। चौकीदार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बुद्धराम काहनगढ़ ने कहा कि इस तरह से सीधे चौकीदारों के मन को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के वक्त चौकीदार चोर है बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जो चोर है उसे नाम से संबोधित कर चोर क्यों नहीं बोला जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल सभी राजनीतिक पार्टियां चौकीदार चोर है बोल रही हैं। ये बात बहुत ही गलत है, क्योंकि चौकीदारों का भी कोई मान सम्मान है। उन्होंने कहा कि वे अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे, सभी जिलों में इस मुद्दे पर बैठकें रखी जाएंगी। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।